गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मिशन शिक्षण संवाद की पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफ़र में आज फिर से आपको स्वागत करते हुए यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज आपका जो टॉपिक है वह मेरा भी बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। तो इंग्लिश ग्रामर की शीट क्रमांक 11 में आज का प्रकरण वर्ब लेकर प्रस्तुत हूँ मैं शालिनी कुशवाहा, और आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ब, वर्ब क्या है उसको हम जान लेते हैं। तो पहले इंग्लिश में, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। एक बार फिर से, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कार्य के करने या होने का बोध कराता है क्रिया कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ब को क्रिया बोलते हैं, क्रिया मतलब करना। हम कोई भी जो भी कार्य करते हैं वो सब कुछ क्रिया है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो बोलना क्रिया है, आप सुन रहे हैं तो आप सुनने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप क्रिया कर रहे हैं, कौन सी, सुनने की। इसी तरह आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं। देखिए, आपको चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि ये जो बच्ची है ये क्या कर रही है, ये खेल रही है। क्या खेल रही है वो तो बात की बात है, बस अभी कौन सी क्रिया कर रही है, ये प्ले कर रही है, खेल रही है। उसी तरह एक दूसरी बच्ची है वो सिंगिंग कर रही है, गाना गाने का कार्य कर रही है। और ये तीसरी बच्ची जो है वो लिखने का कार्य कर रही है, राइटिंग कर रही है। तो ये सारी कौन कौन सी क्रिया कर रहे हैं, एक पढ़ने खेलने का, दूसरा गाना गाने का और तीसरा लिखने का। तो अब आइए आगे देखते हैं। मुझे आशा है कि आपको क्रिया तो अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। तो अब काइंड्स ऑफ वर्ब्स में वर्ब के प्रकार। अब इसमें आप देखिए कि एक तो मेन वर्ब होता है, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, वर्ब्स दैट टेल द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। वो वर्ब जो सब्जेक्ट मतलब जो भी उस काम कर रहा है उसका एक्शन बताता है, उसका काम किया जाना बताता है। जैसे द टीचर, तो टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये तो आप समझ रहे होंगे कि टीचर यहाँ पर क्या है। फिर से एक बार देख लेते हैं, टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट है और किससे पढ़ा रही है, अस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और टीचर द्वारा जो काम किया जा रहा है पढ़ाने का वही काम है वर्ब। आगे देखते हैं फिर से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स। अब दो तरह के मेन वर्ब्स होते हैं, पहला होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा बी इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब के कौन से हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से हैं। तो आइए पहले हम ए को ले लेते हैं, आपका ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब इज़ फॉलोड बाय बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो उनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। जबकि आपका जो इनट्रांजिटिव वर्ब है उसमें डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, इसमें कोई भी वर्ब की आवश्यकता होती ही नहीं, इनट्रांजिटिव होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें हम एक वर्ब लेंगे और उसको किस तरह से ट्रांजिटिव और किस तरह से इनट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज़ करके और इसे आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले प्ले को ले लेते हैं, द स्टूडेंट्स प्ले द गिटार। यहाँ पर आप ये देखिए कि जो ये स्टूडेंट्स के प्ले करते हैं, तो प्ले के तुरंत बाद क्या प्ले करते हैं, गिटार प्ले करते हैं। तो यहाँ पर प्ले का आपके पास ऑब्जेक्ट है गिटार, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, प्ले ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य कर रहा है। जबकि दूसरे सेंटेंस में देखिए,
द स्टूडेंट्स विल प्ले आउटसाइड टुडे। अब प्ले डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या खेलेंगे, कौन सी चीज़ खेलेंगे, तो ये यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ग्रो का। आई ग्रो कैबेज इन माई गार्डन। क्या ग्रो कर रहे हैं? कैबेज। क्या ग्रो कर रहे हैं? कैबेज। तो तुरंत इसका ग्रो का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। जबकि माई डॉटर इज़ ग्रोइंग क्विकली। अब यहाँ पर ग्रो का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्विकली नहीं है, क्विकली एक एडवर्ब है और वह ग्रो का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो ग्रो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल हम लेंगे रिटर्न का। जॉन रिटर्न द बुक टू द लाइब्रेरी। अब देखिए रिटर्न, क्या रिटर्न किया? बुक रिटर्न किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब। द स्टूडेंट्स रिटर्न टू स्कूल आफ्टर द विंटर ब्रेक। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि रिटर्न के तुरंत बाद उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, कहाँ पर लौटे? स्कूल। तो जिसमें क्या का एक सेंस आता है ना, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब में काउंट करते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये रिटर्न टू द स्कूल ये इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। इसी प्रकार से कंटिन्यू को भी देख लेते हैं। वी विल कंटिन्यू द मीटिंग आफ्टर द ब्रेक। क्या कंटिन्यू करेंगे? मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। जबकि द मीटिंग कंटिन्यूड आफ्टर द ब्रेक। अब मीटिंग कंटिन्यू रही, तो कंटिन्यू का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो इस प्रकार से चार एग्जांपल्स, चार वर्ड्स के द्वारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। आप और एग्जांपल्स अपने आप ढूंढ सकते हैं और उनको ढूंढ कर और उनके ट्रांजिटिव होने का कारण और इंट्रांजिटिव होने का कारण भी आप अपनी मैम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी इस पर समझ पक्की हो जाएगी। तो आइए वापस चलते हैं हम अपनी शीट की ओर। और शीट में अब हमारा है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब में पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज को देख लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में देखिए आपके बी, डू और हैव, इनकी फॉर्म्स यूज़ होती है। तो बी की जो फॉर्म है वो इज़, एम, आर, वॉज, वर। फिर से देख लेते हैं, बी की फॉर्म हो गई इज, एम, आर, वॉज, वर, अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसे आवश्यकता होगी वैसा ही इसको यूज़ करते हैं। उसी तरह डू की जो फॉर्म्स होती हैं, डू, डज, डिड, आवश्यकता अनुसार इसका भी प्रयोग करते हैं। और हैव का, हैज़, हैव, हैड, हमारे सेंटेंस, हमारे वाक्य की आवश्यकता के अनुसार हम इन्हें यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब पर, सॉरी मॉडल ऑक्सिलरीज पर। शैल, विल, कैन, यहाँ कॉमा आएगा, कुड, वुड, शुड, मे, मस्ट, ऑट टू एंड नीड। एक बार फिर से देख लेते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज shall, will, can, could, would, should, may, must, ought to and need। जहाँ जहाँ जिस तरह से आवश्यकता होगी उसे हम स्पष्ट करते चलेंगे। तो choose the correct verb। अब यहाँ पर हमारे पास exercise आ गई है, she not write to me। तो she के साथ बच्चों does use होता है। अभी फॉर्मली हम ये कर लेते हैं, इसको पूरे डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट है आई डैश माई लेसन। तो आई हैव लर्नड, ये देखिए इसका आंसर होगा आई हैव लर्नड माई लेसन। थर्ड एग्जांपल है आपके पास, राम इज डैश अ लेटर। अब यहाँ पर
बाय मिस्टेक जो इज़ है वो दे दिया गया है, आपका इज़ यहाँ पर आएगा, जो आंसर होगा वो इज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ही डैश डेफिनेटली हेल्प यू, ही कैन, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ कैन नहीं होगा, यहाँ पर विल होगा, ही विल। इनके यूजेस हम बताएंगे अभी, आप समझ लीजिए, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, अब यहाँ पर एक सजेशन दिया जा रहा है, तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अभी आपके समझ में शायद से ये चीज़ें नहीं आई होंगी, क्योंकि क्या रूल हैं क्या हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसमें अगर आपको एग्जांपल्स स्पष्ट नहीं हुए हैं तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, एक एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, फिर एक एक ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरीज को पकड़कर, मॉडल ऑक्सिलरीज को पकड़कर हम उनके विषय में बात करेंगे और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे आगे की शीट्स में। तब तक के लिए आपके पास एक ये कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ है, इसको खूब अच्छे से पढ़िए। हमारे अब्दुल कलाम जी की के विषय में इस पूरे में दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़कर और इसे समझकर इसके क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, और आगे कभी भी हम इन कॉम्प्रिहेंशंस को लेकर 1 to 10, 1 to 20 जो भी होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए और लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।